ये मेनो की वासना जाएगी वासना ही है ये जैसे सेक्स करने की वासना है वैसे ये वासना है जैसे गौतम बुद्धा को वासना वो ठीक दुनिया को मैं सिखाऊं कि सब माया है और संसार दुख है उसको ये वासना जगे तो उसने दुनिया को बताने लग गया कि भाई ऐसा संसार दुख है सब वासना की पूर्ति करने अपू और जहाँ तक इलोन मस्क की बात कर रहे हो इलोन मस्क अब इलोन मस्क तो इलोन मस्क को मैं जानता हूँ मुझे इलो, इलोन मस्क तो नहीं जानता लेकिन इलोन मस्क को मैं क्यों जानता हूँ क्योंकि जबरदस्ती मेरे कान में आके डाल दिया गया मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा हूँ इलोन मस्क बार बार आ रहा है तो इलोन मस्क क्यों आ रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा इलोन मस्क जो है वो क्या है बोलता है रोज के बारह बारह घंटे काम करो हाँ तो करो तो मैं क्या करूँ करो मेरा भी काम कर लो आपने <laughs> फाइल दे रखी है उसको एडिट भी कर लियो तो <laughs> कर <laughs> क्या जा रहा है अब उसमें क्या इंस्पायरिंग है मतलब वो अमीर आदमी हो गया सफल सफल हो 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 गया 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 क्या 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 मेरे को समझ में नहीं आया अमीर होगा हो गया? हो गया हो तो उसके घर की अमीरी अपने घर में रख उसकी सफलता अपने घर में रख मेरे को क्या करना उससे मतलब वो तो आप बोल रहे हो कि वो अमीर हो गया सफल हो गया अब अमीर किस बात का हो गया मतलब इतने सारे पैसे का क्या है और अमीर तो वो तो हटाओ मैं भी जॉब करता हूँ थोड़ी बहुत एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ ऑनलाइन तो उस कंपनी के भी एक मालिक है वैसे तो मैंने बारह जॉब करी जिंदगी में तो मैंने मालिकों को देखा है बहुत मालिकों को लेकिन सुपीरियर बनने के बाद ही पहली जॉब है तो मालिक को एक अलग दृष्टि से देखा मैंने पहले के मालिकों को तो देख नहीं पाया ना उतना सही तरीके से पहले के पहला मैं क्या था पहले तो बस मैं यही था कि हाँ ठीक है होगा मालिक अपने घर का होगा हमको तो गुलाम बना रखा है सैलरी दे टाइम है ठीक है अब मालिक को देखा तो बहुत करीबी से देखा और अब मैं मैंने फील्ड भी चेंज कर लिया अब मैं साधारण एम्प्लॉई नहीं हूं अब मैं मार्केटिंग में आ गया मार्केटिंग मतलब कि कंपनी से जुड़ के काम करना है कंपनी की ग्रोथ आपकी ग्रोथ है और नहीं भी है तो कंपनी की ग्रोथ आपका एक आपका एक वो है मतलब ऑब्जेक्टिव है अब तो मालिक की तरह सोचना पड़ता है तो मालिक को मैं देखता हूं मालिक होना तो बहुत ही अभिशाप है कंपनी का मालिक होना तो सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई गुलामी गुलामी हमको अपना बिजनेस चाहिए आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट आई वॉन्ट टू सेल्फ सेल्फ ओन बिजनेस ये खुद का बिजनेस होना चाहिए आई वॉन्ट टू ओन माई बिजनेस हाँ तो जो आदमी बिजनेस कर रहा उसकी जिंदगी तो करीब से देख ले भाई जैसे तुम ऐसा बोल रहे हो कि आई डोंट वांट टू डू जॉब ये क्या सुबह शामी गुलामी डाल रखी है ये बहुत काम कराता है तो जब तू सोच रहा है कि है, मैं नौकर बनना छोड़ दूँ मैं मालिक बन जाऊं और फिर मेरे को मैं नौकरी करवाऊँ ऐसे लोगों से जो ऐसा नहीं सोचेंगे जब तू ऐसा सोच रहा है तो हर नौकरी करने वाला ऐसे सोचता है ना तो तू सोचता है कि मैं ये ना बनू मैं वो बनू जो ऐसे लोगों की सिरदर्दी ले रहा है भाई जब आप कंपनी के मालिक बन जाते हो ना कोई बिजनेस खोलते हो, हो तो आपको आदमी नहीं मिलते बहुत बड़ी सिरदर्दी है ये नींद नहीं आती ये काम कौन करेगा सैलरी दूंगा सैलरी लेके भी नहीं करेगा वो वो तो सैलरी के भग जाएगा मतलब जा, सैलरी तो एक महीने बाद मिलेगी ना उसको तब तक वो उसने कुछ दही कर दिया तो एक महीने बाद तो मुझे सैलरी देनी पड़ेगी ना उसको सैलरी तो देनी पड़ेगी मालिक ऐसा तो बोलता बोल सकता हूं मैं कि भाई तुको एक महीने रखा था कुछ काम हम तो किया नहीं अब मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे रहा मतलब <laughs> एक महीना तो इसी में गुजर जाता है कि आदमी काम का है कि नहीं है और काम की कोई है ही नहीं एक हजार में से एक ही आदमी काम का है और नौ सौ निन्यानवे लोग तो ऐसी भीड़ बढ़ा रहे हैं उनमें से ढूंढने में मिलता ही नहीं है काम का आदमी और जो काम का आदमी होता है फिर उसके साथ इनसिक्योरिटी काफी क्योंकि वो किसी कहीं पे भी भग सकता है उसके अंदर भी विचार जाग सकता है कि मैं काम का हूं तो मैं क्यों किसी के लिए काम करूं मैं खुद अपना काम शुरू करूं अब वो खुद अपना काम शुरू कर लेगा अब उसको काम के बंदे नहीं मिलेंगे तो ये क्या सिरदर्दी पाल रखी है तो आप सोच रहे हो जो बिजनेस में कंपनी के ओनर के लिए काम करता हूं ऐसे सारे कंपनी ओनर की यही हालत है और जो बड़ी कंपनी का ओनर है उसकी और बड़ी सिरदर्दी है और जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी उसका मालिक है बेजोस उसको तो उसकी तो बहुत सिरदर्दी होगी या तो कोई ऐसा वरदान लेकर आया होगा कि उसको पहचान पहचाना जाता है ऐसा आदमी या तो उसको लक्ष्य मिल गया होगा ऐसा आदमी जैसे ही मिल गया होगा फाइट मार के मिल गया होगा चलो तो फाइट मार जिंदगी तो उसने इस फाइट में लगा दी कि ऐसा आदमी ढूंढू मैं तो ये एक चीज थोड़ी ना है ये तो मैंने एक एलिमेंट बताया आपको ऐसा आदमी ढूंढना जो काम करे उसके अलावा बहुत सारे होता है यार टैक्स बचाना है और मतलब फिर एसपी आ जाएगा आपका जेब काटने के लिए और फिर मार्केटिंग करनी है और बहुत सारी दिक्कत है दो एम्प्लॉय झगड़ गए ठीक है अभी तुम लोगों के आने से पहले विश्वास और ये भरत ये पीछे गमला रंग रहे थे ये पहली बार एक दूसरे से मिले गमले को लेकर कुछ तो एक दूसरे झगड़ने लग गए कि मान लो यार एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर दिया कुछ भी एक दूसरे को कर दिया एक दूसरे के साथ इन्होंने ऐसे दुश्मनी पाल ली तो मेरा काम तो रुक जाएगा ना उसे भले मैं भरत को पैसा दे रहा हूं विश्वास को नहीं दे रहा हूं लेकिन विश्वास को मैंने कुछ वादा कर रखा है कि अगर तू तो ये सेटअप बन जाएगा तो आगे जाके फिर हम भी पैसा कमाएंगे तुम भी आपके गिटार सिखाई हो ये वो है तो हम दोनों के सबके कुछ इंटरेस्ट थे अब वो झगड़ जाते तो विश्वास भग जाता अपने भरत भग जाता अपने तो काम तो नहीं होता ना आगे और बड़ी कंपनी होती कोई कुछ भी कर दे किसी का मारपीट दे हत्या हत्या कर दे तो बात तो मालिक की आएगी ना जहां पे मैं जॉब करता हूँ वहां पे भी बात हुई थी दो एक एम्प्लॉय था और मैं उस हम दोनों में झगड़ा हो गया झगड़ा होने के बाद बात फिर यहीं पर ही सेटल हुई कि सर है ना जो हमारे उनका वो कर रहे हैं क्या बोलते वो अरे वो करते ना यार वो उनका मान रखते ना क्या बोलते हैं उनका मान रखने के लिए क्योंकि अगर उनका मान नहीं होता तो हम झगड़ जाते या तो मैं उसको पीट देता या वो मुझे पीट देता या मैं गुंडे लेता या वो गुंडे बुलालता अंदर को थोड़ा मुँह फोड़ी कुछ हो जाती एक ये सिरदर्दी है और एक सिर दर्दी है मैं तो सुपीरियर ही था इतने साल से फिर जाके मैं जॉब में लगा तो मैं तो स्टेटस पे कुछ भी लिख देता हूं <laughs> मैं तो कुछ सोचता ही नहीं मेरे जो मन में आया तो स्टेटस पे लिख देता हूं तो मैं तो वहां पे जॉब कर रहा हूं मेरे मन में आया कुछ स्टेटस पे लिख दो मैंने लिख दिया अब उस कंपनी के और भी लोग थे वो भी मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए थे उन्होंने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा वो व्हाट्सएप स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेके मालिक को भेज दिया <laughs> क्योंकि उनको लगा कि मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ मैंने कुछ भी लिख दिया गाली वाली लिख दी कुछ गुलाम कुत्ता उत्ता कुछ भी लिख दिया मैंने मैं तो किसी और के लिए लिख दिया मैं तो सुपीरियर सोसाइटी में बंदों के लिए लिख दिया मेरे ऑफिस के लोगों लगा की मैंने उनके लिए लिख दिया <laughs> तो स्क्रीन शॉट लेके मालिक के पास पहुंच गए और मालिक का अगले दिन शादी की साल गिरा थी सुबह सुबह तैयार वैयार होके तो एकदम उसको स्क्रीनशॉट मिला उसके ऊपर उनका नाम वाम लिखा हुआ पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ तो मुझे बुलाकर बोल रहे कि यार ये ऐसी कुछ मेरे को इमेजेस आई है ये ये क्या है ये हो मैंने बोला ये तो मेरा स्टेटस है व्हाट्सअप स्टेटस है तो, 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 तो खूब गर्म होने लग गए भड़कने लग गए ये, ये ऐसे ऐसे तुम ऐसे बदतमीज आदमी हो तुम ऐसी भाषा का प्रयोग करते ये तो मैंने बोला आप सब मैं तो ऐसी भाषा का प्रयोग करता हूँ सब तो फिर कुछ नहीं मैं क्या उनसे झगड़ू मैं तो फिर क्योंकि हम भी उनका रिगार्ड करते हैं रिगार्ड करते तो सॉरी मैंने वहाँ पे बात खत्म कर दी तो बोले मेरे को सॉरी मत बोलो इनको बोलो तो मैंने खत्म होगी फिर सत्तर आदमी पे हिडन तो तो है जिंदगी पहली बार हिड करने का काम किया मैंने व्हाट्सएप स्टेटस तो एक ही मारी है तो ऐसी बहुत सारी मारी होती है ये तो वो छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी बहुत बड़ी मगजमारी है, होती है तो जिंदगी आपकी मगजमारी सुलटाई में निकल जाती है क्या एक कोचिंग में हम काम करते थे दिल्ली में बहुत बड़ी कोचिंग थी वो तो इतनी बड़ी कोचिंग थी कि उसमें फैकल्टी थे नब्बे तीस फिजिक्स के तीस केमिस्ट्री के तीस मैथ्स के एक पूरा फ्लोर था पूरा ऐसा जैसे कॉल सेंटर में नहीं होते वैसे ऑफिस बने हुए थे वहीं पर ही कैबिन बने हुए थे उनके तीस फिजिक्स तीस मैथ्स के तीस फिजिक्स के और तीस केमिस्ट्री के से। तो मैं भी उधर बैठता था मैथ्स में तो उधर कोने पर उसका डिपार्टमेंट हेड का अलग से सेबिन था कांच का तो मैं गया नया नया उसमें थोड़ा दिन गुजारा मैंने एक हफ्ता हुआ तो मैंने देखा कि ये जो मैथ्स के एच ओ इनकी सु बड़ी खूबसूरत है जमचमाते चम दाते वाह तो मैंने अपने आसपास के लोगों से पूछा कि ये ये सर के दांत इतने क्या यार इतने क्या चमचमाते हैं तो ये ऐसे बोले कि ये बहुत सिगरेट पीते थे पहले तो फिर मैंने वो फिर क्या हुआ तो वो बोले कि ये इतनी सिगरेट पीते थे इतनी सिगरेट पीते थे कि सर दाते गिर गए <laughs> तो अभी ये नकली टीथ सेट लगा के घूमते हैं तो फिर अब ये आई पी क्या इंजीनियर वगैरह टाइप के लोग थे ये सब जो पढ़ाते थे ठीक है और इंजीनियर लोग का काम ये होता जिंदगी से कुछ भी अब कुछ मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला शराब जरूर पीनी है तो ये ज्यादातर वहाँ के लोग शराब पीते थे वो नीचे बार में बैठ जाता था कोई थोड़ा कोची से दूर जाके बारह में बैठ जाता था कोई उधर से ठेके में से उठा लेता था और सबसे करीब में एक ठेका था उस ठेके में वो जो एच साहब है ना वो रोज वहां पे उतर के लाइन लगाते थे और कौन से शर्म आती थी तो हम सब कोने में खड़े देखते रहते थे कि थोड़ा आगे निकल जाए ना ये तो दो चार आदमी फिर लग जाए फिर हम इनकी लाइन में लग जाए क्या अभी हर साल क्या है वहां पर सैलरी इंक्रीज का टाइम आता है तो अभी तो पुरानी बात है मतलब उस टाइम पे जो हमारा मैथ्स का डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा जिसका पैकेज होगा वो करीब पैंतीस लाख का होगा साल का जिस जिस सन का था जो सर का था ना वो पैंतीस लाख का था तो उस साल क्या उनका उतना अप्रेजल नहीं हुआ जितना फिजिक्स वाले में एक सर का हो गया तो ये ये जो मैथ्स वाले सर है ना ये फिज वाले सर को लेकर सेंटर हेड के पास गए बोले कि इनका इतना रिप्रेजल कर दिया मेरा क्यों नहीं किया अभी जो ये जय एडवांस हुआ था ना जी पेपर जो हुआ था ना इन साहब का टेस्ट चाहिए मेरे को या जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हो आप पूरा उसमें से कर भी पाते हो क्या खुद भी पेपर कर पाते हो क्या तो और जो तो रफा दफा हो गया वो मसला बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मैथ्स वाला था ना ये सबसे हाईएस्ट सैलरी का था तो ये साहब क्या करते थे ये ये साहब भी रोज पीते थे हम्म लेकिन वो क्या है कि वो वहां से उठाते नहीं थे वो कहीं से और उससे जाके उठाते थे और फिर उनका एक फैकल्टी लोग का एक कमरा वगैरह था कहीं घर था उसके अंदर जाके पत्ते खेलते थे रोज शाम को पत्ते खेलते थे और दारू पीते थे और मेरा थोड़ा क्या बातचीत करने का तरीका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था तो मेरे से थोड़े से वो चिड़ते थे तो बोलते थे कि वो देश अक्के को मत बुलाना तो जब मैं नहीं होता था तो तभी वो आते थे फिर मैंने छोड़ दी कोचिंग दो तीन चार साल हो गए फिर एक दिन खबर आई कि वो वो सर है ना वो सारा अब रहा ही नहीं इस दुनिया में क्यों नहीं रहे क्योंकि शराब इतनी पीते थे वो एचओडी मैथ्स नहीं नहीं एचओडी मैथ्स तो डिफरेंट है मैथ्स मैथ एचओडी मैथ्स के अलावा मैथ्स की जो फैकल्टी है उनमें से जो हाईएस्ट पैकेज था जो एचओडी वो हाईएस्ट पैकेज वाला नहीं होता है एचओडी तो वो होता है जो सबसे बढ़िया चाटता मालिक की क्या दोनों अलग अलग गेम है अब दो चाटने वाले आ गए तो मालिक सोचते हैं इसको मैं क्या उसको क्या दू मालिक सोचता है अच्छा मैं इसको हाईएस्ट पैकेज देता हूँ और इसको मैं एचओडी बना देता हूँ एचओडी का तो पता नहीं गया लेकिन वो हाईएस्ट पैकेज वाला तो मर गया फिर मर गया तो क्या करे अब और अच्छा वो क्या हाइएस्ट पैकेज था उस टाइम पे करीबी बात है दो हजार बारह की बात है दस साल पहले की बात है मतलब उस समय महीने का आप समझ लो जैसे डिवाइड बाय आप बारह करें तो तीन लाख नहीं तो खींच खींच के दो लाख तो एक महीने का आता ही था उस आदमी को मरने के पहले तक वो कौन सी गाड़ी चलाता था गाड़ियों का ज्ञान तो हो गई आपको ठीक है आल्टो चलाते थे वो सब हाँ एक महीने की सैलरी तो आल्टो चलाते थे <laughs> 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 तो ऑल्ट चला गए जिंदगी खत्म हो गई उनकी ऑल्ट चलाते रहे दो लाख महीना कमाते रहे और पीते रहे और भूखते रहे और मर गए अब उनकी बीवी सोचा मैं कहा जाऊ तो, तो उस कोचिंग ने बीवी को नौकरी दे दी अब चलो तुम तो चला लो जो भी है ऐसी फिजिक्स वाले की स्थिति है जो फिजिक्स वाले सर थे अब तो वही मर चुके क्यों मर चुके क्योंकि उनका तो पता नहीं हर साल कबर आते रहती थी, थी, थी अभी इनको हार्ट अटैक आ गया है अभी इनकी बाईपास सर्जरी हो गई है कभी इनका ये खराब हो गया कभी वो खराब हो गया वो शराब पूरा पीते थे वो मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ सब कहानी सुना के कि ये सब को स्ट्रेस में ना अधिकांश लोग तो स्ट्रेस में जो इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और किसी ना किसी कंपनी के मालिक बने बैठे हैं ये तो सही है क्या तो ये तो फिर आपके सामने एक मीडिया ने एक छवि बना दी है या फिर आपने अपने दिमागे मान लिया है कि अरुण मस्क जैसा या जेफ बेजो जैसा मुझे अमीर बनना चाहिए या बनेंगे तो अच्छा रहेगा तो इसमें तो कोई लॉजिकली तो मुझे दिखता नहीं है मतलब पहले आप क्या है कि एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लो फिर उसके बाद आप एक लाख महीना का कमाओ या दस लाख कमाओ या एक करोड़ कमाओ या सो आपकी कोशिश ही होनी चाहिए कि चलो अभी मैं पचास हजार महीने कमा रहा हूँ अभी कैसे एक लाख हो